दोस्तों नमस्कार। कॉटन एसोसिएशन ने रुई का उत्पादन का अनुमान 8.5 लाख गांठ से घटा दिया है। साथ साथ रुई के यानी कॉटन के निर्यात का अनुमान भी 30 लाख गांठ बताया जा रहा है। पिछले साल 43 लाख गांठ का हुआ था। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है अपडेट, देश दुनिया की खबर से आपको कराता है रूबरू। आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिए ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। दोस्तों आपको याद होगा कॉटन पर हम लगातार आपको अपडेट देते हैं और हमारा विश्लेषण अक्सर सही भी साबित होता है। हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। अब खबर निकल के आ रही है कि रुई के निर्यात के बारे में एसोसिएशन का कहना है, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, 30 लाख गांठों का निर्यात होने का अनुमान है जो पिछले साल 43 लाख गांठ का हुआ था, यानी 13 लाख बेल्स का निर्यात घटने का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों फरवरी के अंत तक 8 लाख बेल्स का निर्यात हो चुका है और इस समय भारतीय रुई का भाव ग्लोबल स्तर के ऊपर थोड़ा ऊंचा होने से निर्यात व्यापार में ये कटौती है। दोस्तों देश में रुई के भाव निरंतर गिर रहे हैं और साथ साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरे महीने रुई के उत्पादन का अनुमान में कटौती की है। गौरतलब है कि हमने सबसे पहले आपको अक्टूबर माह में कॉटन के भावों में गिरावट का अग्रिम अनुमान जारी किया था जो कि अक्षरत सत्य साबित हुआ था। याद कीजिए साल 2021 सितंबर में हमारा वो ऐतिहासिक ऐलान जिसमें हमने साल 2022 को कॉटन ईयर यानी कॉटन के भाव तेज होने का अग्रिम अनुमान दिया था जो कि अक्षरत सत्य साबित हुआ था और कॉटन के भाव एक कैंडी 101,10,000 रुपये प्रति कैंडी तक हुआ था। साथ साल 2022 के अप्रैल महीने के अंदर अद्भुत तेजी का हमारा अग्रिम अनुमान सही साबित हुआ था। साथ साथ जून जुलाई के बाद कॉटन के अंदर गिरावट का भी हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुआ था और 101,10,000 रुपये प्रति कैंडी के भाव घटकर 60,000 रुपये प्रति कैंडी तक गिर गए थे। तो दोस्तों अग्रिम अनुमान विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। साथ साथ यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कॉटन एसोसिएशन द्वारा रुई के उत्पादन का अनुमान पूर्व की तुलना में 8.50 लाख गांठ घटाकर 313 लाख बेल्स व्यक्त कर दिया गया है। यद्यपि यह अनुमान गत वर्ष की तुलना में अभी भी अधिक है। देश में अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान रुई की आपूर्ति 192.73 लाख गांठ की रही। इसमें स्थानीय रुई की आवक 154.84 लाख गांठ की हुई जबकि 6 लाख गांठ रुई का आयात होने के भी समाचार मिल रहे हैं। 31.89 लाख गांठ का ओपनिंग स्टॉक था और देश में रुई की खपत 5 महीने में लगभग 120 लाख बेल्स की बताई जा रही है जबकि निर्यात 8 लाख बेल्स का हुआ है। फरवरी के अंत तक कॉटन स्टॉक 64.73 लाख गांठ का बचा है जिसमें 45 लाख गांठ का स्टॉक टेक्सटाइल मिलों के पास और 19.73 लाख गांठ CCI महाराष्ट्र फेडरेशन और अन्य स्टॉकिस्टों के पास होने के समाचार हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अतुल गणात्रा के ने कहा है कि देश में रुई का उत्पादन अनुमान से 8.50 लाख बेल से घट गया है। इसमें यदि राज्यों के द्वारा ब्यौरा दिया जाए तो पंजाब में 0.50 लाख गांठ, हरियाणा में 1 लाख गांठ और महाराष्ट्र में 2 लाख गांठ, साथ साथ तेलंगाना में 3 लाख गांठ और कर्नाटक में 1 लाख गांठ के अलावा तमिलनाडु और अन्य राज्यों को मिलाकर कुल 1 लाख गांठों का स्टॉक घटाया गया है। कुल मिला के ये जो 8.5 लाख बेल से अनुमान घटाकर बताया गया है। देश में चालू सीजन वर्ष में रुई का कुल आयात 12 लाख बेल्स होने का भी अनुमान है जबकि पिछले साल 14 लाख बेल्स का आयात हुआ था। फरवरी 2023 के अंत तक 6 लाख गांठ का आयात हो चुका है। दोस्तों ये था बैलेंस शीट कॉटन की, लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स में, इस गणित में जिनर, मिलर, स्पिनर और किसान
सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, एक बात सुनना चाहते हैं कि आगामी 15 से 20 दिन कॉटन यानी कपास में क्या होने की संभावना है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से ही कॉटन पर आपको अग्रिम विश्लेषण, भावों के उतार चढ़ाव का सटीक साथ देने से का प्रयास करता है। अगले 15 दिन कॉटन यानी कपास के अंदर निचले स्तर पर कॉटन के अंदर रिकवरी की संभावनाएं बन रही हैं। नोट कीजिए, हम आपको तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी का आकलन नहीं देते हैं। हम आपको अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं जो अक्सर सत्य साबित होता है। याद कीजिए दोस्तों, सरसों पर हमारा जब बुरी तरह से सरसों पिटाई खा रही थी, उस वक्त हमने सरसों के अंदर रिकवरी की बात कही थी 12 मार्च सन 2023 को। 12 मार्च से आज 18 मार्च के बीच में सरसों के अंदर लगभग 300 रुपये से अधिक की रिकवरी देखी गई है। कपासिया खली के अंदर यानी कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हमने आपको गिरावट की बात लगभग 3 महीने पहले से हमने लगातार दिया। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी अब कुछ रिकवरी की संभावना बन सकती है। दोस्तों याद रखिए, भावों का विश्लेषण या उतार चढ़ाव वही जो समय आने से पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि अब यह हमारा अनुमान कितना सत्य साबित होता है, लेकिन इससे अधिक जानकारी के लिए, लंबा विश्लेषण के लिए, रिसर्च के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ साथ नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।